हालेलुया। आज का दिन बहुत अद्भुत है। हालेलुया। एक मन एक दृष्टिकोण के संग जब हम चलते हैं ना, तो अद्भुत आशीषें मिलती हैं। सारे बंधनों से आज़ाद होता है इंसान। कलीसिया की रचना परमेश्वर ने इसीलिए की है ताकि हम एक मन एक दृष्टिकोण के संग परमेश्वर के हो जाएं, परमेश्वर में बने रहें, उसका मन जानते हुए। हम अलग अलग मन से यहाँ बैठते हैं। कोई चंगाई के लिए आता है, कोई कर्जों से मुक्ति के लिए आता है, कोई शादी के लिए आता है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम एक मन में हो। वो मन क्या कहता है? कि उससे प्यार करना, उसकी इच्छा को पूरी करना। यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। और परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानने के लिए हम कलीसिया आते हैं। इसलिए समर्पित मन से हम कलीसिया में बैठे और ये जो बाइबल है, जो वचन है, इसको समझें। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने संग कॉपी लेकर आइए, बाइबल लेकर आइए, और जो परमेश्वर मेरे द्वारा आपको देता है उसको लिखिए आप। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज इस बाइबल को लेकर आप चल रहे हैं ना, ऐसा दिन आएगा जब बाइबल आपको लेकर चलेगी। अंतिम समय में हमारे अंदर वचन जो होंगे वही हमारा जीवन होगा। इसलिए वचनों को अपने अंदर लीजिए, एक एक वचन को याद रखिए। आज जैसे हमारे छोटे बच्चे वचन पढ़ते हैं, मैं क्यों पढ़वाता हूं वचन? ताकि वचन आपको याद होने चाहिए। हम सिर्फ बाइबल का ही सहारा ना लें। बाइबल तो हमारे साथ है, कभी नहीं हुई बाइबल, तो हमारे अंदर हमारा वचन होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय के दिन में आपको पता है क्या चीज जरूरी होगी? क्या पूछा जाएगा कि आप यीशु से प्यार करते हैं कि नहीं? क्या पूछा जाएगा कि आप यीशु से प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं। न्याय के दिन पूछा जाएगा क्या परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि नहीं। यस, उन्हीं को उठाया जाएगा जिससे परमेश्वर प्यार करता है, जो परमेश्वर के योग्य चलते हैं। उनको नहीं उठाया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है पाखंडियों, लोगों ने कहा कि साहब हम आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं जानता हूं तुमको, मैं तुमको नहीं जानता हूं, मैं उनको जाता हूं, उनको जानता हूं जो मेरे स्वभाव के अनुसार चलते हैं। क्या चाहता है परमेश्वर? क्यों उसने अपनी आत्मा आपको दी है? ताकि उसका स्वभाव आप में आए। अगर आपके अंदर उसका स्वभाव नहीं है, और चाहे आपके पास सब कुछ है, मेरे भाई आप सबसे बड़े गरीब हैं। उसका स्वभाव, वो नौ वरदान, वो बीज, जब नौ फलों का बीज हमारे अंदर पवित्र आत्मा डालता है, किसके लिए? किसके लिए डालता है वो बीज हमारे अंदर क्यों डालता है? ताकि हम उस बीज को दूसरे के अंदर डालें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है, उसके अंदर कितना सब्र है आप सोच भी नहीं सकते। उस आत्मा, वो आत्मा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? वो यीशु को जिंदा कर सकता है। वो आत्मा पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला आत्मा आपके अंदर है, लेकिन तब भी उसके अंदर सब्र है। आप जब रात को प्रार्थना करके कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा पास पिता, और मैं सुबह प्रार्थना करूंगा 5 बजे, वो आत्मा 5 बजे वहां पर होता है, वो परमेश्वर 5 बजे होता है, लेकिन हम 5 के 5:30, 5:30 के 6, 6 के 6:30,
और फिर ऐसा होता है कि नहीं लेट हो गए हैं, ऑफिस में जाना है तो जाते जाते प्रार्थना कर लेंगे। हमें परमेश्वर को गंभीरता से लेना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत गंभीर है। भजन संहिता 92:5 कहता है कि परमेश्वर के विचार बहुत गंभीर है, उसने यूं ही नहीं आपको चुना है। आप कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, आपकी बुद्धि यूं ही नहीं खोली उसने। इज वेरी सीरियस अबाउट यू। आपको आज जो उसने कलीसिया में जगह दी है, आप नहीं जानते कि आपको क्या मिला है। हम कलीसिया में आने के बाद भी इधर उधर की बातें सोचते हैं, हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारा अगवा कैसा है, हमारा पास्टर कैसा है। हम ये भूल जाते हैं कि मेरा यीशु कैसा है। मुझे यीशु से मिलना है, मुझे यीशु के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो परमेश्वर का स्वभाव आप में डालना चाहता है। क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है। क्यों आप अपनी परीक्षा में बेचैन हो जाते हैं? क्यों आप अपनी बीमारियों में रोते हैं, दोष निकालते हैं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है। जिस दिन आपके अंदर मेरी बहन प्रभु का स्वभाव होगा ना, आप परीक्षाओं में आनंद करेंगे। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं अपने प्रभु को। कलीसिया में आने आइए आप, प्रभु के करीब आने के लिए। वचन पढ़िए, परमेश्वर के करीब आने के लिए। इब्राहिम से परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र का बलिदान मांगा। उसने एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी संदेह नहीं किया। उसने अपनी बेटी, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। सारा अपनी पत्नी को नहीं बताया उसने कि साहब मैं जा रहा हूं, परमेश्वर ने मांगा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि जब रात ही थी, अंधेरा ही था, उसने अपने गधों को बांधना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कहा था कि मुझे इसहाक का बलिदान चाहिए। परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि साथ में लकड़ी भी ले लेना, छुरा भी ले लेना। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लिए कितने ईमानदार हैं बहुत जरूरी है। आपकी ईमानदारी परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके सिर के बालों की गिनती भी जानता है। हम बहुत खुश होते हैं कि परमेश्वर हमारे सिर के बालों की गिनती जानता है, हमसे कितना प्यार करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो पिता परमेश्वर हमारे बालों की गिनती जानता है ना, वो सुबह से शाम तक हमारे मन में उठने वाले गलत विचारों को भी जानता है, वो उनको भी देखता है। हम बड़े बड़े पाप तो नहीं करते हैं और छोटे छोटे पापों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। अरे तो छोटा सा था, अरे अपनी मां को ही तो मैंने बोला है, अपनी मां की तो बेइज्जती की है, अपनी बीवी को तो मारा मैंने, अपने बेटे को ही तो मारा है, क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हम अपने स्वभाव को स्थिर नहीं रखते हैं। हमारा स्वभाव स्थिरता, अगर हमारे स्वभाव में स्थिरता नहीं है, चाहे हम कलीसिया में हो, चाहे कलीसिया से बाहर हो, चाहे कहीं भी काम करते हो, हम मसीह हैं, हम नई सृष्टि में हैं, और हमारी नई सृष्टि सामने वाले को दिखनी चाहिए। अगर आप में जो प्रभु की नई सृष्टि है वो सामने वाले को नहीं दिखती है, इसका मतलब आप में कमी है, आप में कमी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें रोज एक कदम और बढ़ना है।
हमें रोज उस वचन को और जीना है जो हमारे अंदर है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई, आप प्रभु में आगे नहीं हो पाएंगे, आप प्रभु को जान ही नहीं पाएंगे। और जब प्रभु को नहीं जानेंगे तो शैतान काम करेगा, आराम से करेगा, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप दोष लगाएंगे, मैं चर्च भी जाता हूं, दशांश भी देता हूं, ये भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। होगा, होगा। अंधकार परमेश्वर ने शैतान को उसका घर के रूप में दिया है, यहूदा 1:6। अंधकार शैतान का घर है। हेलो, किसका घर है अंधकार? जोर से बोलिए, किसका घर है अंधकार? और अगर आपके घर में, आपके शरीर में अंधकार है तो शैतान आएगा, परमेश्वर रोक नहीं सकता उसे, नहीं रोक सकता। यीशु मसीह नहीं रोक पाए। शमौन के अंदर शैतान आ गया, पतरस, उसे कहा भैया शैतान मांग लिया है गेहूं की तरह पटकने के लिए तुझे, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, रोक नहीं पाया, क्योंकि उसका घर है वो, मैंने दिया उसको घर। हेलो, परमेश्वर का वचन ही आपको जीवन देता है, परमेश्वर का वचन ही आप में सामर्थ्य लाता है। आप सब लोग हमेशा से मांगते हैं कि मैं भी किसी के लिए प्रार्थना करूं और लोग चंगे हो जाएं, मैं भी भविष्यवाणी करूं। आराम से आप कर सकते हैं आप, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि हर भाई हर बहन चमत्कार करे, हाथ रखे और लोग आशीष पाए। लेकिन कमी कहां है? आप बढ़िए, आप समर्पित होइए, आप जितना संसार पर भरोसा करते हैं यीशु पर भरोसा करिए, आप देखिए परमेश्वर के वरदान आपके जीवन में काम करने लगेंगे अपने आप। आपको बोलने की जरूरत है, उसको उसको तो चाहिए, उस पिता परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जिनके द्वारा वो दूसरों से बात कर सके। हमें परमेश्वर ने राजदूत कहा है, कितनी बड़ी बात है, आप इसको अहमियत नहीं दे रहे कि हम उसके राजदूत हैं। पौलुस कहता है हम उसके सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले हैं हम। उत्पत्ति 18 में जब परमेश्वर उतर आए थे सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए, नाश करने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझे इब्राहिम से ये बात छुपानी नहीं चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मैं सदोम अमोरा का नाश करने आया हूं, क्योंकि उसके द्वारा मुझे उसके वंश तक आशीष देनी है। यू नो, प्रेज द लॉर्ड। वो डिस्कस कर रहा है इब्राहिम से, कह इब्राहिम मैं सदोम अमोरा का नाश करने वाला हूं। परमेश्वर को वो मन चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए जिसके द्वारा वो अपनी योजनाओं को धरती पर साकार कर सके। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर आए, वही द्वार है, यीशु इज द डोर, और कोई दूसरा नहीं है। चोर चोरी करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो द्वार है, वो द्वार से आए, वो मरियम की कोख से आए। शैतान कहां से आता है? चुपके से, धोखा देकर आपके अंदर घुसता है। वो चोर है, वो साक्षात नहीं आ सकता, वो अपने आप कुछ काम नहीं कर सकता है। वो आपको बहकाकर आपका सहारा लेता है, वो आपको बहकाकर आपके द्वारा आपके जीवन में कठिनाइयां लाता है शैतान।
और आप उसको आज्ञा देते हैं, आप अनुमति देते हैं, दरवाजे खोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वचन की समझ नहीं है। आप नहीं जानते कि कहां दरवाजा खोलना है, कहां नहीं खोलना है। उसकी आज्ञाएं सर्वमान्य है, वो जो कहता है वो होता है। इज़राइलीज़ जिनको परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र से निकाल कर लाया, इज़राइलियों ने परमेश्वर और मूसा को कुड़कुड़ाने लगे। वो गिनती नंबर्स 21:5-9, नंबर्स 21:5-9, चलते चलते परेशान हो गए, वहां पर लिखा हुआ है, उकता गए। क्यों उकता गए? इतने चमत्कार देखने के बाद भी आप उकता कैसे जा सकते हैं? अगर आपकी आज की सभा एक घंटा लेट हो जाए तो आप उकता जाते हैं, क्यों? अरे परमेश्वर का वचन तो हम जितना सुने उतना अच्छा है, परमेश्वर की उपस्थिति में जितना हम रहे उतना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। वो इज़राइलीज कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि तू जो हमें मन्ना दे रहा है वो निकम्मी रोटी है, निकम्मा। परमेश्वर ने उन पर सांप छोड़ दिए, विषैले सांप, और उनमें से बहुत लोग मरने लगे, चिल्लाने लगे, तड़पने लगे जब सांपों ने काटा। मेरे भाई, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो परमेश्वर की आज्ञा, वो परमेश्वर का जीवन, उस जीवन के अनुसार अगर आप अपने जीवन को चलाएंगे तो ही आप आशीष पा सकते हैं, नहीं तो आप रोज भटकेंगे। आप रोज प्रार्थना करवाएंगे, रोज आपके मन में अशांति आएगी, कुड़कुड़ाहट आएगी रोज, क्योंकि आप समझेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि असमान जुए में मत जुतो। इज़राइलीस असमान जुए में जुत चुके थे। गिनती 5 निकालिए पहले, गिनती 11:5, आपको पता है, ध्यान से देखिए, यहां पर वचन देखिए, ध्यान से मेरी तरफ देखिए। जब इज़राइलीज मिस्र से निकले थे तो उनके साथ मिली जुली भीड़ थी, सारे इज़राइलीज नहीं थे, कई मिस्री भी थे, क्योंकि जब इज़राइल वहां रह रहे थे 400 साल तक वो लोग वहां पर रहे हैं, उनका रिश्ता मिस्रियों से बन गया, वो एक दूसरे के अंदर शादी कर रहे थे, शादी कर रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी वहां से इज़राइलियों के संग निकले, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए गिनती 11:5 क्या कहता है? क्यों प्रॉब्लम्स हुई? क्यों उनका विश्वास नहीं हुआ? क्यों इज़राइली विश्वास नहीं कर पाए परमेश्वर पर? क्यों उसे देखते हुए भी वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं देखना है? क्यों? 11:5 पढ़िए बेटा। हमें वे मछलियां स्मरण है। 4 कर, चौथा चौथा। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके फिर साथ जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी। इसलिए मेरे भाई, संगति जरूरी है। अगर आप सही संगति में नहीं है तो आप डेंजर में। जो मिली जुली भीड़ उनके संग चल रही थी, इसलिए परमेश्वर कहता है कि बाहर काम संसार के मत हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, अरे नहीं प्रभु आप नहीं जानते, मैं टैकल कर लूंगा, मैं कर लूंगा टैकल। अरे आपको नहीं पता 25,000 5,000 10,000 मुझे मिल रहे हैं, आपको क्या पता, आई कैन टैकल। नहीं कर पाएंगे।
जब आप बाहर जाएंगे, आपका क्या प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर कहता है तू मेरे घर में आ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। परमेश्वर वादा करता है तू मेरे घर में आ, मेरे राज्य में आ, तू ना रोटी की चिंता कर, ना पानी की चिंता कर, ना कपड़े की चिंता कर, मैं तुझे खिलाऊंगा। लेकिन आज का मसीह क्या कहता है? नहीं परमेश्वर, तू मेरे संग मेरे संसार में चल और वहां चलकर मुझे रोटी दे, वहां मुझे बरकत दे। आप अपने संग परमेश्वर को संसार में लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर संसार से आपको यहां पर लेकर आया, इकलौता पुत्र उसने बलिदान कर दिया आपके लिए। और आप समझते कि ना अरे अब तो मैं प्रभु में आ गया हूं, अब तो मैं जानता हूं यीशु मसीह कौन है, अब तो मैं पवित्र हो चुका हूं, अब तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, अब मैं बाहर जाऊंगा और काम करूंगा और कुछ भी नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। आप बहुत गलतफहमी में हैं। आपको पता ही नहीं कि आप बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। शैतान कब काम कर रहा है, कब आपको झुका रहा है, कब आपसे यीशु को निकाल रहा है, आप सोच ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। जिस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है ना, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, एक मीटिंग होती है। परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पर आया मीटिंग करने के लिए। आपको पता है शैतान भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करता है। आपको नहीं पता है आजकल का जो मोबाइल आया है जिसमें फेसबुक है और यूट्यूब है, ये शैतान की जीत है, शैतान का सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना है आज के यूथ को बर्बाद करने की। और मैं तो कह रहा हूं यूथ नहीं, बड़ी बहनें भी भाई भी। एक मोबाइल एक ऐसा हो गया है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, मोबाइल को नहीं भूलते। कल मैं एक वीडियो देख रहा था पास्टर, एक छोटा बच्चा, उसकी मां ने होगा 12 13 15 साल का, उसकी मां ने उसको मोबाइल नहीं दिया, रख लिया। उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया, कुर्सियां तोड़ दी, टेबल तोड़ दिया, टीवी उठा के फेंक दिया। अब सोचिए मोबाइल, 3 हफ्ते पहले हमने वाचा करी थी कि आधा घंटा ही मोबाइल देखेंगे। कौन कौन आधा घंटा देखता है सिर्फ? कितनों ने यहां पर कहा था कि आधा घंटा ही देखेंगे, किन्होंने बाद में फरमाइश की कि 1 घंटा करिए। आप नहीं जानते हैं शैतान की चाल है। आप जो देखते हैं ना वो पाप बनकर आपके अंदर चला जाता है, फिर वही पाप आपको उकसाता है करने के लिए और आप पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो मिली जुली भीड़ है ये कामुकता की तरफ, इसको नहीं मतलब है परमेश्वर से। जो परमेश्वर, देखिए जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना है ना उसको नहीं पता, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका ससुर हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, उसको नहीं, आपकी उसकी वैल्यू नहीं है। तो मिली जुली भीड़ जो है वो कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे। संगति का असर, मिली जुली भीड़ ने पहले कामुकता शुरू की जो परमेश्वर को नहीं जानता था, और उसके साथ साथ इसराइली भी लड़ने लगे, बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम संसार को खुश करने के लिए बहुत बेताब रहते हैं कि मैं संसार को कैसे इंप्रेस करूं, अपने पड़ोसी को कैसे इंप्रेस करूं, अपने भाई अपने चाचा को कैसे इंप्रेस करूं कि मेरे पास भी देखो कार आ गई है। आपको याद है वो 10 कौड़ी? जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया था, याद है कि नहीं याद है? उनमें से 1 वापस आया और 9 नहीं आए। उस समय जो कौड़ी थे वो किसी को छू नहीं सकते थे, उनको उनको समाज से बाहर रखते थे,
वो किसी के पास आते थे, कंबल ओढ़ के आते थे, और जब भी कोई पास से गुजरता था तो खुद बोलते थे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, यानी कि मैं अशुद्ध हूं, मेरे पास मत आओ। घर के लोग उससे नहीं मिलते थे, शहर के बाहर उनका बोरिया बिस्तरा होता था, और घर के जो बीवी बच्चे हैं वो दूर से थाली फेंकते थे कि खाना खाओ, बचा हुआ खाना उन्हें मिलता था। प्रेम नहीं था उनके अंदर। वो कोढ़ी जब यीशु मसीह को पता लगा कि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह ने कहा जाते जाते तुम चंगे हो जाओ, और उनमें से एक वापस आया। यीशु मसीह ने कहा 9 चंगे नहीं हुए, 9 चंगे हुए, लेकिन एक ने परमेश्वर को महिमा दी, और 9 कहां गए? संसार के अंदर दिखाने के लिए। देखो भैया मैं कोढ़ी हो गया था, देखो तुम्हारे जैसा हो गया, देखा कोढ़पन चला गया, देखो चला गया कोढ़पन, अब देखो तुम्हारे जैसा हूं मैं। Amen। आप संसार को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। 9 संसार के पास चले गए जो उनसे नफरत करते थे, आप बताने के लिए कि नहीं देखो यार मैं कोढ़ी था, देखो नहीं है। Amen। हम चंगाई तो यहां पाते हैं लेकिन संसार को इंप्रेस करते हैं। जब तक संसार आप में से नहीं निकलेगा, हमें संसार में रहना है, हमें संसार में काम करना है, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं संसार में काम मत करिए, लेकिन जिस तरीके से एक कश्ती में आप बहते हैं, एक समुद्र में एक कश्ती बह रही है और हम उस कश्ती के अंदर हैं, यीशु मसीह ने हमें संसार रूपी समुद्र में एक कश्ती के रूप में बैठा दिया है। अब हमारा काम क्या है कि पानी अंदर ना आए। हमें संसार में बहना तो है, उस पार जाना तो है, लेकिन हमें सो कोशिश करनी है, चौकन्ना रहना है कि पानी ना आए। जैसे ही पानी आया कश्ती डूब जाएगी, जैसे ही संसार आपके अंदर आया आप डूब जाएंगे। याद रखिए आप डूब जाएंगे, इसे संसार को अपने अंदर मत आने दीजिए, चौकन्ने हो जाइए। मेरे इस काम से संसार मेरे अंदर आ रहा है? नहीं। क्या कहा यीशु मसीह ने? अगर एक आंख तेरी तुझे गलत दिखाए उस आंख को फोड़ दे, इससे अच्छा है कि तू नरक में जाए। अंधा होना ज्यादा अच्छा, अगर एक हाथ तुझे पाप करवाए तो उस हाथ को काट दे। अगर आपको लगता है कि मेरी यह नौकरी मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है, नो नहीं चाहिए। यह पैसा मुझे दूर करता, यह रिश्ता मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, नहीं चाहिए, नो। परमेश्वर का रिश्ता सबसे पहले है। उसकी अहमियत को समझिए कि वो आपको मिल गया है। बहुत जल्द मैं बता रहा हूं यीशु आने वाला है। मैं बार बार आत्मा में महसूस करता हूं कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है हमारे जीवन में। अपने आप को संभाल लीजिए। अगर आपने नहीं संभाला और वो आ गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा। आपके सामने ही आपके दोस्त, आपकी कलीसिया ऊपर चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो ये जो थे इसराइलीज, ये परमेश्वर और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। पढ़ो बेटा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके हो गया, ये हो गया गिनती 21 का, 21 का 5 से 9। हालेलुया। ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि प्रभु क्या दिखाना चाहता है। गिनती 21। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? या ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। Amen। आप उस मन्ना को निकम्मा कह रहे हैं? उस स्वर्गीय रोटी को निकम्मा कह रहे हैं आप? आप जीवन की रोटी को निकम्मा कह रहे हैं? Amen। आपको
परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना दे रहा है। आप अपनी आशीषों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपको छोटा सा भी अगर चमत्कार आपके जीवन में होता है, मेरे भाई मेरी बहन, उसकी वैल्यू करिए। आप जब कलीसिया आए आपके सर में दर्द था, लेकिन परमेश्वर का नाम लिया, यीशु मसीह का नाम लिया, आपका सर का दर्द चला गया। वैल्यू करिए कि प्रभु ने आपको छुआ है, धन्यवाद। उसकी कीमत को समझिए, उसको महसूस करिए, उसे प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हर पल में तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं। जब तक आप उसे महसूस नहीं करेंगे मेरे भाई, जब तक आपके अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी कि मैं प्रभु को महसूस करूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं। जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए प्रार्थना करेंगे ना मेरे भाई, कि प्रभु की उपस्थिति मुझ में रहे, उसके बाद आपकी बीवी आपको कुछ कहती है, आपका पड़ोसी कुछ कहता है, उसे कोई मीनिंग नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। आमेन। यीशु मसीह को जिस तरीके से लोगों ने मारा, यहूदियों ने, महायाजकों ने, आमेन, उसके हाथों और पैरों में कीले चोभ दी, कांटों का मुकुट, मैं इज़राइल गया था, मैंने वो मुकुट देखा है, 6 इंच का कांटा था, 6 इंच का कांटा, जब उसने यहां गाड़ा ना तो यहां से निकला वो, आपको पता, 6 इंच का कांटा उसके अंदर भिगोया, उसके अंदर चुभोया, हाथों और पैरों में कीले गाड़ दी, और उसके बाद भी यीशु कहता है, पिता परमेश्वर इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं। आमेन। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति को जानता था, वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, वो जानता था कि उसका सामर्थ क्या है, वो जानता था छुटकारे की कीमत क्या है। हम पापों से मुक्ति पाने के बाद भी उस छुटकारे की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। हम उस 5,000 को वैल्यू देते हैं, 10,000 को वैल्यू देते हैं जो हमें मिलती है, हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके हमें मुक्ति दी है। हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। कुछ काम नहीं आएगा ये पैसा। उस दिन मैं, पास्टर पीजी वर्गीस हैं, परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं, उनका वचन सुन रहा था। उनके कम से कम आई थिंक 10,000 चर्चेज होंगे, आईटी हैं, बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है, मुझे बुलाते हैं, तो वो प्रचार कर रहे थे। उनका बहुत बड़ा ऑफिस है दिल्ली में, बहुत बड़े, बहुत, अभी इतने बड़े चर्च हैं तो स्टाफ भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन सारे स्टाफ जो हैं उनके प्रभु में नहीं है, वो अन्य जाति के हैं, हर स्टाफ तो नहीं मिलता ना। तो कहते हैं एक दिन मैं गया ऑफिस में और जितने स्टाफ बैठे थे जो अन्य जाति के थे, मैंने कहा तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। कहते क्या है खुशखबरी सर? कहता भाई हम तो चले जाएंगे तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये ऑफिस, ये सारी कारें वगैरह, ये सब तुम्हें मिल जानी है, सब तुम ले लेना, ये तुम्हारा हो जाएगा जब हम चले जाएंगे ना, फ्री फंड में हो जाएगा तुम्हारा, तुम उसके लिए कोई कीमत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा है, मैं तो रहूँगा नहीं, कौन क्लेम करेगा कि तुम मेरी चीज़ ले रहे हो? इसलिए अभी से बोल रहा हूँ, जब मैं चला जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें तुम लोग बांट लेना, ऑफिस, मेरी गाड़ियां, मेरे घर वगैरह, लेकिन उसके बाद तुम जियोगे कैसे? उसके बाद तुम जियोगे कैसे? वो 7 साल तुम जी नहीं पाओगे, नहीं जी पाओगे वो जीवन। क्यों? क्यों तुमने यीशु को नहीं ग्रहण किया है, तुमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया।
हमें मोह नहीं है इस प्रॉपर्टी का, इस घर का, इस गाड़ी का। आज यीशु आएगा, हमें बुलाएगा, हमें प्रभु चाहिए। आमेन। तुम इस गाड़ी का लेके करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारा अंत तो नरक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानिए कि आपको जाना कहां है, अंत क्या है। 60 साल 70 साल 80 साल के जीवन के बाद आप कहां जाएंगे? उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से है और कोई नहीं है। कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। इसलिए जो इसराइली थे वो कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि हमें तो निकम्मी रोटी खिला रहा है। आगे बेटा। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इसराइली मर गए। आगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर, देखिए आप जब परमेश्वर के विरुद्ध बात करते हैं ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत बड़ा पाप है आप परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं। आप सोच नहीं सकते क्या दिया मुझे परमेश्वर ने। मैं चर्च जा रहा हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, दान दक्षिणा क्या मुझे मिला। आपको समझ ही नहीं है कि आप उस समय क्या कर रहे हैं। आप परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं। अरे कैसा पास्टर है ये, 10 बार इससे प्रार्थना कराई लेकिन कुछ होता ही नहीं है। आप भूल जाते हैं आप पास्टर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि करने वाला परमेश्वर है, पास्टर नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है मुझ पर, हम पर, कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम उसके वचनों को बोल पा रहे हैं, वो भी उसकी आत्मा के द्वारा। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं तो परमेश्वर का कहर आता है और उसने विषैले सांप भेजे। आगे बेटा। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। आमेन, आमेन, आमेन। बड़ा गहरा सवाल है। लोग कहने लगे इसराइलियों की क्या कहता था तू मूसा, इस सांप की प्रतिमा को देखने से हम जीवित हो जाएंगे। अरे वे कोई दवाई दे, कुछ प्रार्थना कर, इस सांप की मूर्ति को, इस तांबे के सांप को देखकर मैं कैसे जीवित हो जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर ने कहा है वो कर। जिन्होंने नहीं विश्वास किया वो मर गए, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो जीवित हुए। आमेन। क्या कहा था परमेश्वर ने करने के लिए? उस सांप को देखो। अरे इसी सांप ने तो हमको काटा था, इस सांप को देखेंगे तो कैसे जीवन आएगा? उस डसे हुए सांप में जीवन देखो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कौन है? मुझसे बात करिए, यीशु कौन है? यीशु मसीह कौन है? जीवन। हालेलुया। वो जीवन कहां पर है? मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तू अपनी विपत्ति में, अपनी परीक्षाओं में, अपनी बीमारियों में जीवन को देख, जीवन को देख। क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी परीक्षा, कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए होगी। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 1:21-22 पढ़िए, 21-23 पढ़िए। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है, आपकी विपत्ति है, आपकी परीक्षाएं हैं, उनमें जीवन देखना शुरू करिए। उस सांप में परमेश्वर ने कहा जीवन देख, तो जिएगा। जब तू जीवन देखेगा तो जिएगा। आप मौत देख रहे हैं, कैसे जिएंगे? आप अपनी बीमारियों में, आप समझते हैं मैं हार गया हूं, आप कैसे जीतेंगे? आप अपनी परीक्षाओं में सोचते हैं कि मैं हार गया हूं, अब मैं जीत नहीं सकता, आप कैसे जीतेंगे? आप अपनी परीक्षाओं में जीवन देखिए, आप जीत देखिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सारे अधिकार यीशु को दिए जा चुके हैं। इफिसियों 1:21-22। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। किसको दे दिया? कलीसिया को, यीशु मसीह को। यानी कि सब प्रधानताओं, सब अधिकार किसके पैरों के नीचे कर दिए? मुझसे बात करिए, किसके पैरों के नीचे? यीशु मसीह के पैरों के, जो इस युग में लिए जाएंगे और आगे आने वाले युग में भी लिए जाएंगे। हर बीमारी का नाम, हर परीक्षा का नाम, हर विपत्ति का नाम, आपके कर्जों का नाम, जितने भी नाम हैं वो सब यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिए उसने, और वो सामर्थ उसने कलीसिया को दे दिया है। आगे पढ़िए, वो उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। वो उसकी देह है। कौन देह है? देह कौन है? कलीसिया। कलीसिया कौन है? उसकी देह है। बोली कलीसिया उसकी देह है। कलीसिया उसकी देह है और हम कौन है? हम कौन है? हम अंग हैं। कलीसिया किसकी देह है? यीशु मसीह की। दोबारा पढ़ो, 23वां दोबारा से पढ़ो, ध्यान से सुनिए। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, उस देह में वो शक्ति है जो सब कुछ सब में पूर्ण करता है, और वो शक्ति कलीसिया को दी है, और कलीसिया यीशु की देह है, और हम कौन है? उसके अंग हैं। हेलो, वाकई आपके अंग हैं? ध्यान दीजिए, आप अंग हैं। बोलिए, मैं उस देह का अंग हूं। मैं कलीसिया की देह का अंग हूं। मैं यीशु की देह का अंग हूं। हालेलुया। इससे पहले क्या किया कि प्रधानताएं, सारी शक्तियों को, सारी प्रधानताओं को यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया। ध्यान से सुनिए, किसके नीचे कर दिया? किसके नीचे कर दिया? पैरों के नीचे। यीशु मसीह के पैरों के नीचे सारी प्रधानताओं को रख दिया। हालेलुया। पैर क्या होते हैं? अंग। अंग। पैर क्या होते हैं? पैर क्या होते हैं? शरीर का अंग। हालेलुया। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? आमीन। हमारे नीचे, अगर आप कलीसिया से जुड़े हैं, अगर आप कलीसिया से जुड़े हैं, अगर आप कलीसिया के साथ ईमानदार हैं, अगर आप परमेश्वर के संग ईमानदार हैं, वो सामर्थ, वो अधिकार जो उसके पैरों के नीचे था, वो मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। मेरे पैरों के नीचे है। पैर शरीर का अंग है। आमीन। मेरा सर कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर यीशु का सर कौन है? परमेश्वर। उन पैरों के नीचे हैं वो नाम जो इस युग में और आने वाले युग में लिए जाएंगे, वो नाम यीशु के पैरों के नीचे हैं। इसलिए अपनी हर बीमारी में जीवन देखिए, अपनी हर विपत्ति में जीवन देखिए, यीशु को देखिए। कोई भी बीमारी उससे बड़ी नहीं है, कोई भी विपत्ति उससे बड़ी नहीं है, कोई भी कर्ज उससे बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप देखना शुरू करेंगे तभी काम होगा। जब आप अपनी विपत्तियों में जीवन देखना शुरू करेंगे, वो जीवन आपको दिखेगा। जब अपनी बीमारियों में आप जीवन देखना शुरू करेंगे, वो बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अपनी परीक्षाओं में जीवन देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह का, आपकी परीक्षाएं आपके जीवन से निकल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया था वो मीनू ने? क्या किया था? मीनू नाम था उसका, मीनू। मीनू क्या किया था? उसके पास बाइबल तो आई, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आई, लेकिन जैसे ही उसने वचन को ग्रहण किया, वचन ने काम किया, वो जीवन जो उसे नहीं था उसके पास, वो जीवन मिला और वो आजाद हो गया। वो आजाद हो गया।
किसने आजाद किया? उसने कुछ किया? जैसे हमारे पास्टर ने बताया, ब्रदर ने बताया, वो कहां था? जेल के अंदर रो रहा था। क्या उसका बाप इस लायक था कि वकील कर सके? क्या कोई वकील आया? क्या उसके दोस्त वकील लेकर आए? वो बैठा हुआ है उस जेल की सलाखों के बीच में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। लेकिन जैसे ही यीशु का वचन उसके अंदर जीवित हुआ, जीवित होना जरूरी है आपका वचन। अगर आप वचन को जानते हैं और आपके अंदर वचन जीवित नहीं है, कुछ नहीं होगा। उसके वचन को जीवित करिए, अपनी उसके वचन को अपने जीवन में वास्तविक बना दीजिए। उसका वचन वास्तविक बना दीजिए। यस, जिस दिन आप अपने उसके वचन को जीवन देंगे उस दिन वो वचन काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। गेहूं का दाना आप ऐसे रख दीजिए, एक टेबल पे गेहूं के दाने 10 रख दीजिए, पानी भी डाल दीजिए, धूप भी रख दीजिए, फसल आएगी? नहीं आएगी। कब आएगी? जब वो दाना मरेगा। आपको मरना पड़ेगा तभी जीवन मिलेगा, आपको मरना पड़ेगा तभी जीवन मिलेगा। आप मरे नहीं है, आपने बपतिस्मा ले लिया, बहुतों ने, आप मरे नहीं है। बपतिस्मा आपने लिया इसलिए कि हाँ भाई अब यीशु मसीह में आ जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, अब पवित्र आत्मा हमें मिलेगी, वो हमको लेके चलेगी। आप बपतिस्मे का मतलब ही नहीं जानते। बपतिस्मे का मतलब है मरना। कुलुसियों 3:3 पढ़ो, मरना जरूरी है। अगर आप मरेंगे नहीं तो आप जीवन नहीं पाएंगे, फसल नहीं होगी आपके ऊपर, आपके जीवन में। कई कलीसियां हैं, कई पास्टर्स हैं जिनके जीवन में फसल नहीं है। क्यों नहीं है? मरना जरूरी है। बढ़िया बेटा। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन। हम मर चुके हैं। कितने लोग मर चुके हैं यहां पर? हिचकिचाते हुए हाथ उठा रहे हैं। हालेलुया। आप मर रहे हैं? मर गए? जो इंसान मर जाता है ना, मनीष तू मर गया? इधर 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 जल्दी आ, जल्दी आ, तेरा टेस्ट लेते हैं तू मरा है कि नहीं मरा है। उठने में इतना समय लगा रहा है तू यार। यहाँ खड़ा हो जा। तू मर गया? हाँ मैं मर गया। पक्का? जोर से बोलना। हाँ हाँ क्या? हाँ मैं मर गया। पक्का? पक्का। ये क्या हुआ? लगी कुछ? हाँ लग रही है, चोट लग रही है। तो मरे हुए इंसान को कभी लगती है चोट? अरे मरा हुआ इंसान है, उसकी आप चेन निकाल लो, उसका उस कुछ भी नहीं पता चलेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्यों पता लगता है? हमें क्यों पता लगता है? क्योंकि हम मरे नहीं है। अभी भी ईर्ष्या होती है, अभी भी द्वेष होता है, अभी भी हमें दूसरों की बातें बुरी लगती हैं। एक मरे हुए इंसान को बुरा लगेगा? अब तो मर गया, मैं तुझे गाली दूं, कुछ भी करूं, मरा हुआ है। यहां चाकू मारूं, वहां चाकू मारूं, मरा हुआ है, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि आप मरे नहीं हैं, इसीलिए फल नहीं ला रहे। मरे हुए इंसान को पता नहीं लगता है। आज तो चर्च में आप थोड़ा सा ऊंचा बोल दीजिए, लोग नाराज हो जाते हैं। उनको समझाइए, लोग नाराज हो जाते हैं। इतने जीवित हैं, इतने जीवित हैं। जब तक आप मरेंगे नहीं उस जीवन को नहीं पाएंगे। दोबारा पढ़ो वचन। क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। कहां जीवन आपका छुपा है? कहां जीवन आपका छुपा है? किसके साथ? मसीह के साथ। किसके साथ? हमें उसी जीवन को खोजना है, हमें उसी जीवन के लिए जीना है, हमें हर काम अपना उसी जीवन के लिए करना है और कोई नहीं काम करना।
जिस दिन आप उस जीवन के लिए अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने उस जीवन के लिए अपना हर काम शुरू कर देंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा रोटी नहीं है, मेरे बच्चे की फीस नहीं है, नहीं बोलना ही नहीं पड़ेगा। वो सब करेगा, उसे पता है क्या करना है, उसने आपका पेट बनाया, उसे पता आपको कितनी भूख लगती है, उसने आपकी जबान में टेस्ट दिया है, उसको पता है कि आपको खट्टा मीठा पसंद है, ही नोस, उसने आपको रचा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उस जीवन के लिए अपने जीवन को लगाइए। 2004 में परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं बॉलीवुड मैंने छोड़ दिया। 8-9 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं मैं बॉलीवुड में, डायरेक्ट कर चुका हूं कई सीरियल्स टेलीफिल्म्स, मेरी वाइफ 500 फिल्मों की डांस डायरेक्टर रह चुकी है, आज वो घर में बीमार पड़ी है, बीमारी शरीर का हिस्सा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब से प्रभु में हूं तब से ना प्रार्थना का एक पैसा लेता हूं ना मैं किसी से मांगता हूं। किसी से मांगा मैंने आज तक पैसा आपसे? अपनी जरूरतों के लिए बोला कभी? कुछ बोला? लेकिन राजा की तरह रहता हूं मैं, अपने बेटे को समझाता हूं, तू तो दुनिया की नौकरी करता है, जिस दिन परमेश्वर की नौकरी करनी शुरू कर दी ना, टाइम पे चेक आएगा, टाइम पे, टाइम पे, मैं सच कह रहा हूं, मुझे बोलना नहीं पड़ता है, कब मेरे फोन पर पैसे आ जाते हैं, अगर मेरा 1500 रुपए खर्च हुआ है, इमीडिएट 1500 कहां से आ जाता है मुझे नहीं पता, किसके मन को परमेश्वर छूता है मुझे नहीं पता, मैं मांगता ही नहीं हूं, कभी नहीं मांगी मैंने पास्टर, एक पैसा नहीं मांगा मैंने, क्यों मांगू मैं? परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु मेरा पिता है, और अगर प्रभुओं का प्रभु मेरा पिता है और अगर मैं किसी से मांगता हूं तो लानत है मुझ पर, मैं अपने पिता की बेइज्जती कर रहा हूं। अगर मैं किसी से पैसा मांगता हूं तो लानत है मुझ पर। अगर आप उसको अपना पिता मानते हैं तो उस पुत्र की तरह जिंदगी जीना शुरू करिए। छोटी मोटी चीजें हम मांगते हैं, अरे हट, मेरा पिता जिसने सृष्टि की रचना की है वो राजा है, उसने मुझे चुना है इसके लिए कि मैं दूसरों से पैसा मांगू? Yes, Lord। इसलिए मेरे भाई, अगर आप कलीसिया से जुड़े रहेंगे, इफिसियों 5:29 एक पढ़ेंगे लास्ट वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 5:29 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आमीन। अगर आप कलीसिया के संग ईमानदारी के संग जुड़े रहेंगे, ईमानदारी के साथ, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, ईमानदारी के संग अगर आप कलीसिया से जुड़े रहेंगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपका पालन पोषण करेगा। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह अपनी देह का पालन पोषण करेगा अगर आप देह के रूप में यीशु के संग जुड़े रहेंगे। आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि मैं जुड़ी हूं, बस मैं जुड़ा हूं, प्रभु के संग जुड़ा हूं, कलीसिया के संग जुड़ा हूं। यह नहीं कि आज इस कलीसिया, आज उस कलीसिया, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, नहीं, गलत है। प्रभु के संग जुड़िए, ईमानदारी के संग। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, मैं जीता जागता गवाह हूं। बॉलीवुड कोई छोटी चीज नहीं होती है, आप लोग तरसते हैं जाने के लिए, एक फोटो खिंचाने के लिए। मैं उससे पहले टीवी अनाउंसर था, न्यूज रीडर था, न्यूज पढ़ा करता था, और जब मैं अनाउंसर था टीवी पे, दैट टाइम आई वॉज द ओनली मेल अनाउंसर इन ऑल ओवर इंडिया, 83 से 89, आप पूछ लीजिए कहीं भी जाकर।
इंडस्ट्री को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रभु मुझे मिला उस पल परमेश्वर का धन्यवाद है, मैं कुछ नहीं हूं, उसने मुझ पर कृपा की और मुझे बुद्धि दी कि मैं छोड़ सका। लोगों ने बहुत कहा, कई पास्टर्स ने कहा, फिर आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप काम भी करिए और सेवा भी करिए। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु मिला है, मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूं और वो है परमेश्वर की सेवा और कुछ नहीं। उससे बड़ा काम कोई नहीं है, ये जो कर रहे हैं ना पास्टर, ये ब्रदर्स, इससे बड़ा काम, परमेश्वर की सेवा से बड़ा चीज कोई है ही नहीं। आप नहीं जानते हैं, आप अपने अंदर वो स्वभाव लाइए कि परमेश्वर आपके साथ चलने पर मजबूर हो जाए। इसमें लिखा हुआ ना भजन संहिता 40 का 1, वो झुककर आपकी प्रार्थना सुनेगा। भजन संहिता 40 का 1 पढ़िए बेटा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट प्रतीक्षा करता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। मैं क्या किया, उसने सिंहासन से उठा, झुका और तब सुनी आपने। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी तपस्या, आपका प्रेम परमेश्वर को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर देगा। ये आपकी प्रार्थनाओं में ताकत होनी चाहिए, आपकी ईमानदारी की सेविकाई में ताकत होनी चाहिए कि प्रभु आपके सामने आकर आपके आंसुओं को पोंछे। उसने झुककर सिंहासन से उठा, झुका और आपकी प्रार्थनाएं सुनी। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना सीखिए, उसको खोजना सीखिए, उससे प्यार करना सीखिए। मेरी बहन, एक ही है प्यार करने के योग्य इस धरती पर और कोई नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। आई एम सॉरी, आपका पति, आपका पति, आपकी पत्नी, भाई बहन, दादा दादी, पास्टर, कोई नहीं है, सिर्फ एक नाम है प्यार करने के योग्य और वो है यीशु मसीह। कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही धर्म बदलने की बात कर रहा हूं, लेकिन यीशु ही वो नाम है जिसके चरणों में आकर हम सुख पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन अच्छा लगा? Yes. आपने जीवन पाया? Yes. आज से अपनी कोई भी मुश्किल हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें जीवन देखिए। और जीवन कौन है? यीशु। भाग जाएगी सारी परीक्षाएं, भाग जाएगी। जहां पर यीशु आया, जहां ज्योति आई, अंधकार खत्म खत्म हो जाएगा, अंधकार का नाश। लेकिन ज्योति को बुलाइए, ज्योति को अपने अंदर रखने के लिए करिए। ये छोटी मोटी बातों में अपना ध्यान मत लगाइए। अंतिम समय है, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपका एक आत्मिक पिता हूं। मत करिए, अपने आप को संभालिए, जज करिए, अपने आप को जांचिए। रात को सोते समय 5 मिनट अपने लिए दीजिए, 5 मिनट अपने लिए दीजिए कि आज मैंने कैसे जीवन बिताया है। ईमानदारी से अपने आप को जांचिए। कब कोई भाई बोल रहा था, कब मेरे मन में गलत विचार आया उसके लिए, कब मैंने गलत बोला है, कब मैंने गलत सुना है। सिर्फ 5 मिनट ईमानदारी से अपने आप को रोज दीजिए। और अगर आप पाएं कि आपने गलत सुना है, आपने गलत बोला है, आपने गलत कहा है, आपने झूठ कहा है, तो माफी मांगिए, पश्चाताप करिए कि प्रभु। लेकिन वो काम दोबारा मत करिए, ये कहीं हैबिट ना हो जाए, जैसे पुराने इसराइलियों में हैबिट हो गई थी, पाप किया, बलि चढ़ाई, याजक के पास आए, तभी व्यवस्था निष्फल हुई। इसलिए आप अपने आप को जांचिए और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा।
मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसा करना दीजिए, 10 मिनट अपने आप को रात को दीजिए सोते समय, अपने आप से बात करिए, किसी को मत बोलिए। मती 6:6 में लिखा हुआ है कि तो गुप्त रूप से बात कर, और गुप्त में जो पिता परमेश्वर है वो आपकी बात सुनेगा और आपको आशीष देगा। कहां पर आप मसीहत नहीं थी आज, कहां पर आपने गलती की है, कहां पर आपकी दृष्टि गलत हुई थी। जितना आप अपने आप को पवित्र रखने के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आशीष आप देखेंगे, खुद देखेंगे परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम हो रहा है, आप खुद महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। करेंगे आज रात से? आज रात से करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ 10 मिनट, 5 से 10 मिनट अपने आप को दीजिए, और फिर उसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि ये काम गलत हुआ तो वाचा बांधिए, परमेश्वर आप नहीं करूंगा, मैं आप नहीं करूंगा। और अपने बच्चों को परमेश्वर में लेकर आइए। अगर आप अपने वंश को नहीं बढ़ाएंगे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर वंश में ज्यादा इंटरेस्टेड है, याद रखिए, परमेश्वर वंश में बहुत इंटरेस्टेड है। परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा ने यहोशू को चुना और उसे सौंपा काम। यहोशू एक बहुत अच्छा सफल अगवा रहा, लेकिन यहोशू ने एक गलती की कि उसने कोई सेवक नहीं चुना। इसलिए जजेस में, न्यायियों में आप देखेंगे कि दूसरे अध्याय में, आप देखिए यहोशू दूसरे अध्याय में, यहोशू के सामने ही लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे, क्योंकि उसने किसी, जबकि उसके पास लोग थे, उसने किसी को नियुक्त नहीं किया। हमें अपने बच्चों को सौंपना है ये विरासत, हमें अपने बच्चों को सौंपनी है। आप इसको कम मत समझिए, विरासत है आपके पास, ये बहुत बड़ी परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, अपने बच्चों को सौंपिए। मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, इन सब से ऊपर कि मेरा बच्चा परमेश्वर का सेवक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके अंदर वो चरित्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपकी ड्यूटी है, परमेश्वर की नहीं है। और उसके लिए अपने बच्चे को दोष नहीं, अपने घर में एटमोस्फेयर करिए पैसा। हम बच्चे को बोलते हैं प्रार्थना करो और खुद नहीं करते। अगर आप बच्चे से बोलते हैं 5 बजे उठो तो आपको भी 4 बजे उठना पड़ेगा। अपने घर का वातावरण आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका बच्चा देखे, नहीं यार मेरा पिता यार प्रभु में समर्पित है। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन के बाद उसको एहसास होगा कि नहीं यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ यार, मेरा बाप झूठ नहीं बोलता, मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही है, क्यों बोल रहा हूँ मैं। एक दिन उसे जरूर एहसास होगा कि मैं क्या कर रहा हूं ये, और वही एहसास उसे प्रभु में लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जूम पर हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को परमेश्वर में लेकर आइए। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। कितनों को अच्छा लगा है? जरूर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया।